हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग नाइपा डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट टू डू, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं जो भी नाइपर में सीट मिलने के लिए जो भी प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वगैरह, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा हूँ अभी। आज आई थिंक हाँ, आज ही सीट अलॉट होना शुरू हो गया है, तो जिनको भी जो कॉलेज वगैरह मिल रहा है उस हिसाब से आगे का प्रोसेस होगा। तो और जो भी लोग अपना मतलब कोई भी कॉलेज मिल रहा है ना, तो जो भी उनके फर्दर पेमेंट वगैरह नहीं करेगा, आई मीन अपना सीट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके बाद जो भी सीट बचा रहेगा उसके लिए कुछ तो प्रोसेस होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सभी बच्चे अपना जो भी सीट मिल रहा है वो तो एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो कुछ तो प्रोसेस होगा आने वाला दिनों में, क्या होगा क्या नहीं मुझे इतना डिटेल्स पता नहीं, बट कुछ तो होगा, ठीक है ना। अब देखो, जिनको अपना पसंदीदा कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहे, आई मीन वो लोग अपना सीट एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, वो उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से बोल देता हूँ, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बात कर देता हूँ। देखो, जो भी नाइपर का डॉक्यूमेंट्स था ना, एक काउंसलिंग के लिए जो भी था एनेक्सर वन प्रोफॉर्मा, वो तो आप लोगों ने बना लिया, कर लिया। अब देखो, अब फर्दर जो भी प्रोसेस है उसमें काफी बच्चे मुझे ईमेल कर रहा था कि यार डॉक्यूमेंट रेडी करो ऐसा वगैरह। देखो, जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता है कन्फर्म, तब तक आप इस चीज को लेके इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता प्रेशर लेने का जरूरत है, क्योंकि देखो आपको टाइम बहुत मिल जाएगा ये सब काम करने के लिए। और ऊपर से कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ नाइपर में ही चाहिए होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप अगर जो भी एनेक्सर वगैरह है 3A और क्या क्या है, जो भी एफिडेविट वगैरह कराना होता है, ये सब तो सिर्फ नाइपर के लिए है ना। अगर आप किसी रीजन से आपने वो डॉक्यूमेंट, कुछ लोगों ने तो बना ही लिया होगा, अगर आपका रैंक पीछे है, आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, डिटेल्स रेडी कर लिया और अभी आपको आपका कॉलेज नहीं मिलता है, तो ये दिस ऑल आर गोइंग टू वेस्ट, ठीक है ना। तो आप मुझे जैसा मानना है, ये सब डॉक्यूमेंट ना, जो भी कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो तो सिर्फ एक दिन का ही काम है, 2 घंटा मैक्सिमम 2 आवर्स का काम है, सब हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो ये मेडिकल टेस्ट का है वो 1-2 दिन लग सकता है, और वो भी आजकल के बच्चे इतना मतलब मैनेज कर ही लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि वो गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना है, ठीक है ना, और अगर कुछ मैनेज करके कर सकते हो वो आपका बात है, बट देखो उसमें 1-2 दिन लग जाता है, क्योंकि काफी सारा टेस्ट वगैरह करना होता है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो नाइपर का रिगार्डिंग जितना डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मुझे नहीं लगता अभी रेडी करना चाहिए, 1-2 दिन और जाने दो, क्या होता है, 1 दिन का ही काम है, ऐसे ही रेडी हो जाएगा। देखो, कुछ डॉक्यूमेंट है जो नाइपर के अलावा जहां भी एडमिशन लो ना वहां आपको जरूरत होगा, तो वो सब डॉक्यूमेंट के बारे में आप सोच सकते हो। उसमें से एक हो गया जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आई थिंक दूसरा कॉलेजेस में भी मांगेगा, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो लोग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो लोग मांग सकते हैं। तो यू हैव टू कीप रेडी योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड इट मे टेक टाइम, आप अप्लाई कर दो, कैसे क्या प्रोसेस है वो सब कर दो, अपना जो भी बैचलर ऑफ फार्मेसी का कॉलेज था वहां पे डिस्कस करो कि किस तरह से क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा प्रोसेस कर लो। और दूसरा है, देखो काफी जगह पे मुझे आई थिंक तमिलनाडु और कहीं से किसी बच्चे ने बोला था, और दूसरा जगह हुआ कि नहीं पता नहीं, कोविड के वजह से ना उनका 7 सेम का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसके बारे में कुछ तो करना है। देखो, अगर तुम कहीं भी एडमिशन लेने जाओ ना, चाहे नाइपर में हो गए या फिर दूसरा जगह में, हालांकि नाइपर में तो उनके उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको, ऐसा कोई बात नहीं है, एडमिशन के बाद भी आप वो सब मतलब रेडी करके दिखा सकते हो। और अगर दूसरा कॉलेजेस में भी आप एडमिशन लेने जाओगे ना, तो कुछ तो मांगेगा कि 7 सेम का सर्टिफिकेट, मार्कशीट क्या हुआ, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं। देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आप जो भी बैचलर कॉलेज है ना आपका, वहाँ का प्रिंसिपल या फिर कॉलेज कोई भी प्रोफेसर से बात करके ना, आप माइग्रेशन वो मतलब कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट एक बना सकते हो, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट बना दो, जिसका मतलब फाइनल बी फार्म का डिग्री नहीं मिला, उनके लिए एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ऐसा बना दो, ताकि वो उनका ईमेल में सेंड कर पाए, उससे उनका काम हो जाएगा। और दूसरा लोग जिनका ऐसा किसी एक सेमिस्टर का स्पेसिफिक गैप हो गया कोविड के वजह से, उनका भी कुछ तो प्रोसेस होगा, या तो वो लोग एग्जाम कंडक्ट करा देगा, या फिर कुछ भी तरीके से रिजल्ट तो दे देगा, कुछ आउटपुट तो देगा। तो वो सब आप थोड़ा बात कर लो कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह में जाओ तो मांगेगा ना कि आपका रिजल्ट कहाँ है क्या नहीं, मार्कशीट कहाँ है उस पर्टिकुलर सेमिस्टर का,
और फाइनल जिसका भी पूरा बीफॉर्म का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला उनको अभी मतलब यही प्रोसेस से कर दो, कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट कर दो, ताकि इससे आपका काम बन जाए। उसके बाद देखो जिनका मतलब सीट नहीं मिल रहा है, या फिर आई थिंक एक दो प्रोसेस और होगा कुछ, उसके बाद आपको मतलब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। तो अगर आपको पसंदीदा सब्जेक्ट अभी नहीं मिल रहा है ना, तो बहुत ज्यादा डाउट है कि आने वाले दिनों में मिलेगा या फिर कुछ होगा। तो देखो आप नाइपर के लिए वेट करके नहीं रह सकते। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था नाइपर एग्जाम के बाद, डू एंड डोंट्स आफ्टर नाइपर जेडब्ल्यू एग्जाम, वही पे मैंने बोला था कि आपको क्या करना चाहिए, डिटेल्स बोल दिया था। देखो आप ना अभी जितना भी कॉलेजेस है, अच्छा कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, जहां पे आपको अप्लाई करना है वहां पे आप अप्लाई कर दो। जैसे कि हो गया तुम पीयू में, अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, पीयू में अप्लाई कर दो, अन्नामलाई हो गया, या फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है टॉप 10 कॉलेजेस, तो उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना दो। और जामिया जामिया हमदर्द में भी एडमिशन चालू है, तो वहां पे भी आप अप्लाई करना है तो कर लो। आई थिंक बिट्स पिलानी में और बिट्स का जो भी कॉलेजेस है ना, उसमें 26 तक मनी डिपॉजिट करने दिया था। उनका अलावा जो भी बाकी कॉलेजेस है वो तो बस प्रोसेस ही चल रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो जहां भी करना है, क्योंकि कुछ दिन बाद तो बहुत लेट हो जाओगे। और मैं पहले भी इस बारे में काफी बात किया था, क्योंकि मैंने खुद देखा था, मेरा टाइम में काफी लोग ना मतलब एडमिशन ना नाइपर में हो पाता है ना दूसरा अच्छा कॉलेजेस मिलता है। ठीक है, फिर सिर्फ आप वही ढूंढना पड़ता है कौन सा बचा है कॉलेज, हुयर सीट इज लेफ्ट लाइक दैट। सो वो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आप देखो अभी नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सोच समझ के और जल्दी से करो, वेट करने का टाइम नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं है, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। हाँ, और एक डॉक्यूमेंट के बारे में बोलूंगा, जो भी ओबीसी हो ना उनका देखो ओबीसी सर्टिफिकेट रेडी करके रखो, वो तो आपके पास होगा ही, और साथ ही साथ एक रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट रेडी करके रखो, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का जो डिफाइन है ना, वो आपका इनकम सर्टिफिकेट से होता है। योर एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 8 लैक्स, देन ओनली यू आर अंडर नॉन क्रीमी लेयर। तो ये, और इसके लिए रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ये रेडी करके रखो। ठीक है, क्योंकि दूसरा गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये सब मांगेगा। अगर प्राइवेट हुआ और वहां पे कुछ रिजर्वेशन वगैरह प्रोसेस है नहीं, तो नहीं मांगेगा डेफिनेटली, बट बाकी कॉलेजेस में तो वो लोग ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, यही प्रोसेस है। और हसन एकेडमी टेलीग्राम चैनल में आप लोग आ जाओ, वहां पे मैं डिटेल्स बोल दूंगा, क्योंकि जिनका भी कॉलेजेस वगैरह नहीं मिल रहा है उनके लिए काफी परेशान हो जाओगे अभी तो। मैं हालांकि जीपेट का सीरीज शुरू कर दिया, आप लोग अपना जूनियर को मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दो, ठीक है ना, चैनल का लिंक वगैरह। मगर एक दो वीडियो शायद नाइपर रिगार्डिंग और आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जीपेट नाइपर क्वालिफाई कर लिया है और अभी सिर्फ पीछे का थोड़ा रैंक पीछे होने की वजह से ना, आप कहीं भी इधर उधर एडमिशन मत लो, कॉलेज का जो भी प्लेसमेंट प्रोसेस है वो सब देख लो, कहीं भी एडमिशन लोगे फिर बहुत इधर उधर घूमना पड़ता है जॉब वगैरह के लिए। तो ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। और वीडियो तो आप पूरा नहीं देखता, सिर्फ 2-3 मिनट ही देखता है लोग वीडियो, पता नहीं क्या है। वीडियो आखिर तक देखो, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे कॉलेज चाहिए तो जल्दी जल्दी कहीं भी अप्लाई करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और नाइपर का रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस है वेबसाइट में दिया ही है, क्या है क्या नहीं, डिटेल्स प्रोसेस दे देगा। पेमेंट का आई थिंक प्रोसेस भी शुरू हो गया, पेमेंट कर लो, जो भी प्रोसेस है आगे का करो। और कुछ भी इशू रहे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और हसन अकेडमी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, ठीक है ना। यही बातें थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। आप जल्दी से अप्लाई करो, नहीं तो कहीं सीट नहीं बचेगा, मैं बोल रहा हूँ। जो भी अच्छा कॉलेजेस है ना, कहीं भी सीट नहीं रहेगा, और विद इन नेक्स्ट 2 वीक आई थिंक पूरा सीट खत्म हो जाएगा हर जगह में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।